एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक बुढ़नपुर सिहारा में स्थित मेवा नवादा गांव पहुंची। इस समय साधमा परवीन को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 5500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। लगभग 3100 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 661 राशन कार्ड धारक है। वहीं पता चला कि गांव में 15 विधवा पेंशन, 100 वृद्धा पेंशन व 7 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 300 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 31 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 15 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, आंगनवाड़ी केंद्र, कन्या इंटर कॉलेज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा व कूड़ेदान लगवाने की भी मांग की है। साधमा परवीन जो है वो मेरे बेटे की पत्नी है और मैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे गांव मेवा नवादे की जनसंख्या वर्तमान में 5.5 या 6 के आसपास है, जबकि 2011 की जो गणना है हमारी वो है 4708। काफ़ी बड़ा गांव है और सरकार से भी 14वें या राज्य वित्त से धन प्राप्त हुआ, उसका कार्य मैंने गांव में कराया है। और उसको स्कूल, प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में हमने जो कार्य हुए हैं उसको पेंट भी करा रखा है और अगली योजना जो प्रस्तावित कार्य हैं वो भी हमने पेंट करा रखा है। साथ में काफ़ी काम करा भी दिया है। मेरे गांव में सरकार द्वारा शमशान घाट भी बना है, कब्रिस्तान की बाउंड्री भी हो गई है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये काम हो जाए। जैसे मेरे गांव में एक इंटर कॉलेज बन जाए, कन्या इंटर कॉलेज, इसकी पहले भी मैंने मांग की थी। 1995 में मैं प्रधान था,